हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज 2 दिन बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आज हम लोग जानेंगे। थोड़ा प्रॉब्लम था, थोड़ा मैं बिजी था, इसलिए मैं कंटिन्यू वीडियो आप लोग के लिए ला नहीं सका, तो सॉरी। तो चलिए, आज हम आप लोग को बताएंगे एमएस वर्ड में कोई भी ऐसा ड्राइंग कैसे क्रिएट करते हैं। ड्राइंग किसी कोई भी चीज़ का बनाना हो, या कोई इंजीनियर या पीएम बोल दिया, इमीडिएटली अचानक बोल दिया कि वो आप रफ पेपर पे बना करके दे दिया पेन से, बोला कि आप इसको कंप्यूटराइज बना करके मेरे को जल्दी सबमिट करो, ठीक है? तो वैसे हालात में, वैसे सिचुएशन में हम लोग कैसे बनाएंगे? तो चलिए, एमएस वर्ड में हम ड्राइंग बना के दिखाएंगे आप लोग को। फिलहाल मैं पाइपलाइन का ड्राइंग बना के दिखाऊंगा आप लोग को, ड्राइंग कैसे बनाते हैं। तो चलिए, फिलहाल हम अभी चलते हैं और मेरा वीडियो पे बने रहिए। और आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि इससे और अच्छा जानकारी आप लोग को मैं दे सकूं। तो चलिए चलते हैं सीधा अपने कंप्यूटर का स्क्रीन पे। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं अपना कंप्यूटर का स्क्रीन पे। देखिए, मेरा एमएस वर्ड खुला हुआ है। तो दोस्तों देखिए, अभी मैं आप लोग को बना करके दिखाऊंगा, पाइपलाइन का ड्राइंग बना करके दिखाऊंगा। तो देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे देखिए होम टैब में जाऊँगा। होम टैब में जाने के बाद देखिए पेज लेआउट टैब में जाएंगे। उसके बाद देखिए ओरिएंटेशन में जाएंगे। ओरिएंटेशन में नहीं, सबसे पहले मार्जिंग सेट करेंगे, मार्जिंग में जाएंगे। उसके बाद यहाँ से नेरो ले लेंगे, उसके बाद ओरिएंटेशन में जाएंगे, यहाँ पे लैंडस्केप कर देंगे, ठीक है? क्योंकि हम लोग को जगह चाहिए ज़्यादा, पाइपलाइन का ड्राइंग बनाना है। तो देखिए, मेरा ऑलरेडी ये पेज सेट हो गया, ठीक है? फिलहाल मैं नॉर्मल आप लोग को बना करके बता रहा हूँ कैसे बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद शेप में जाएंगे। शेप में जाने के बाद देखिए ये लाइन है, लाइन पे क्लिक करेंगे और सीधा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी मैं लाइन एक क्रिएट करके दिखा रहा हूँ आप लोग को। तो देखिए, ये मेरा लाइन क्रिएट हो गया और एक लाइन क्रिएट हो गया, ठीक है? ये लाइन को थोड़ा हम बोल्ड करेंगे, मोटा करेंगे, दिखने में अच्छा लगेगा, और ब्लैक करेंगे, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले ये लाइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए ये फॉर्मेट वाला ऑप्शन में जाएंगे, फॉर्मेट टैब में जाएंगे, वहाँ से शेप आउट लाइन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर जा करके देखिए, शेप आउट लाइन में जा करके सबसे पहले कलर ब्लैक लेंगे। उसके बाद फिर शेप में जाएंगे, वहाँ से फिर देखिए यहाँ पे विड्थ लिखा हुआ है, विड्थ में पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए, अपने हिसाब से यहाँ पे विड्थ आप ले सकते हैं, ठीक है? फिलहाल मैं ये वाला विड्थ ले रहा हूँ, ठीक है? देखिए, ये मेरा एक लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक है? अब इसी लाइन पे हम अपना माउस का कर्सर ले जाके रखेंगे, ठीक है? और कंट्रोल के साथ में सीधा नीचे ड्रैग कर देंगे, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे ये दूसरा लाइन भी सेम उसी जगह पे क्रिएट हो गया। देखिए, ये मेरा दूसरा लाइन भी क्रिएट हो गया, ठीक है? ये मेरा पाइप का लाइन हो गया, ठीक है? अब सबसे पहले इसमें हम यहाँ पे देखिए, ये दोनों साइड में ज्वाइंट देंगे, ठीक है? तो ज्वाइंट देने के लिए देखिए, फिर इंसर्ट टैब में जाएंगे, शेप में जाएंगे, ठीक है? तो इसमें केवल शेप का ही कमाल है, ठीक है? शेप का ही कमांड है, ठीक है? शेप ऑप्शन में जाना है, उसी का कमांड है, ठीक है? तो देखिए, इसमें जाएंगे, शेप में जाएंगे, और यहाँ से ये ओवरऑल वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओवरऑल वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा गोलाकार बनाएंगे, और इसको इसका आउटलाइन रहने देंगे, लेकिन इसका कलर चेंज करेंगे। शेप आउटलाइन में जाएंगे, फॉर्मेट टैब में। उसके बाद कलर इसका नो इसका कलर कर देंगे। इसका देखिए ऊपर से फिल में जाएंगे और यहाँ पे नो फिल कर देंगे, ठीक है? और इसका आउटलाइन कलर कर देंगे ब्लैक, ठीक है? देखिए, ये ब्लैक ऑलरेडी हो गया। और अब इसको माउस के सहारे से पकड़ेंगे, सीधा लेके आएंगे यहाँ पे, और थोड़ा इसका साइज बढ़ा देंगे पाइप के बराबर। तो देखिए, ये पाइप के बराबर हो गया, तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए, ये मेरा पाइप में आ करके देखिए, ये जो साइड का जो मुंह होता है वो आ करके सेट हो गया, ठीक है? ये मेरा पाइप का एक साइड का हो गया, ठीक है? ये पाइप मेरा एक साइड कंप्लीट हो गया, ठीक है? कटिंग करके कंप्लीट हो गया। दूसरा साइड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक वॉल लगाएंगे, ठीक है? वॉल लगाने के लिए सबसे पहले फिर इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद देखिए, फिर शेप में जाएंगे। शेप में जाने के बाद यहाँ से ये देखिए, ये जो ऑप्शन है जो
फ्लो चार्ट वाला, फ्लो चार्ट कलेक्ट वाला इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फ्लो चार्ट वाला इस पर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा यहाँ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद इसका भी कलर हम नो कलर कर देंगे, नो फिल में कर देंगे। उसके बाद इसका जो कलर है आउटलाइन उसको ब्लैक करेंगे। देखिए ये मेरा ऑलरेडी ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे लाने के बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए ऊपर जो ये ग्रीन कलर का बुंदा दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और इसको रोटेट कर देंगे, इसे मुंह का पाइप का साइज कर देंगे, ठीक है। जिस रूट में मतलब ये पाइप है जिस साइड लेंथ जा रहा है वो साइड में सेम सेट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये देखिए ये सेट हो गया, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये पाइप का साइज सेट हो गया। देखिए ये मेरा, ये जो मेरा बटरफ्लाई वाल है जो यहाँ पे ये सेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से फिर हमको इधर दूसरा फिर लाइन जाएगा, यहाँ से ऊपर में एक यहाँ पे ये बटरफ्लाई वाल हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे बटरफ्लाई वाल का एक सिंबल देंगे, फिर शेप में जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, शेप में जाएंगे, या फिर यहाँ से एक कोई भी सिंबल ले लेंगे, ये ले लेंगे, ठीक है। ये ले लेंगे और यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कर देंगे इसका साइज का। देखिए ये मैं ड्रॉ कर दिया इसका साइज का, ठीक है। अब इसको ये इसको तो रोटेट करेंगे, रोटेट कर लेंगे, सीधा रोटेट करेंगे और सीधा लेके आ जाएंगे इस पे, ठीक है। और फिर यहाँ से देखिए इसको थोड़ा सा हम पतला करेंगे क्योंकि ड्राइंग में सेम पाइप जैसा बैठना चाहिए। देखिए ये मेरा ऑलरेडी देखिए ये मेरा हो गया। इसका भी सेप फिल फॉर्मेट टैब में जाएंगे, सेप फिल में जाएंगे, यहाँ से इसका इसको नो फिल कर देंगे, ठीक है। और इसका जो आउटलाइन कलर है इसको देखिए सेप फिल फिर फॉर्मेट टैब में जाएंगे और सेप आउटलाइन में जाएंगे, यहाँ से ये ब्लैक कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए मेरा एक ये हैंडल जो होता है, हैंडल ये हो गया। ये देखिए ये मेरा गेट वाल का जो ये गेट वाल है उसका हैंडल हो गया, ठीक है। ये मेरा बटरफ्लाई वाल है, ठीक है। यहाँ से फिर आगे पाइप जा रहा है, ठीक है। अभी पाइप जा रहा है तो देखिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये जो लाइन है ना इसी लाइन पे क्लिक करेंगे, सीधा कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे, देखिए सीधा लेके चले आएंगे इधर। देखिए ये सेम ये लाइन आगे ड्रॉ हो गया, ठीक है। देखिए ये सीधा लाइन ये ड्रॉ हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये सीधा लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक है। देखिए ये सीधा लाइन ड्रॉ हो गया, थोड़ा डाउन इधर दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन हमको डाउन नहीं लेना है इसलिए आप लोग को हम दिखाएंगे। देखिए ये सीधा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सीधा लाइन हो गया। अब यहाँ पे हम दिखाएंगे आप लोग को, देखिए ये जो है ना ये सेट नहीं हो रहा है बराबर से, ठीक है। तो देखिए वहाँ पे ऊपर में फिर शेप में जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, शेप में जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से ये लेंगे, उसके बाद यहाँ पे ड्रॉ करेंगे अपना से, ठीक है। अब फिर इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद सीधा लाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसका साइज बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको आउट नो कलर कर देंगे, शेप में जा करके कलर कर देंगे, ठीक है। देखिए ये मेरा गेट वाल ऑलरेडी हो गया, ठीक है। ये देखिए अभी खूबसूरत दिख रहा है, ये बटरफ्लाई वाल हो गया, ठीक है। बटरफ्लाई वाल हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ज्वाइंट है, हम लोग का फ्लांच है, तो ठीक है। फ्लांच के लिए यहाँ पे हम दो दो दे देंगे, दो दोनों साइड में फ्लांच। तो देखिए देखिए आप लोग देखिए ये दो मेरा फ्लांच है,
तो ये दो सेम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम फ्लांच जैसा सिंबल दे देंगे, देखिए ये फ्लांच हो गया, देखिए ऑलरेडी ये फ्लांच है, 150 mm में है, इसका लेंथ है 150, ठीक है। अब फिर इसको पकड़ेंगे और इसी पे देखिए अपना माउस के सहारे इस पर क्लिक करेंगे, ये जो ओवरऑल का ये गोल आकार का सिंबल है इस पर क्लिक करेंगे, आप कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे, सीधा इसको खींच के लाएंगे इधर इस साइड वाला पाइप का मुंह में, मुंह पर ला करके यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, सीधा छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए ये मेरा पाइप का आकार बन गया, ठीक है। इधर से मेरा लाइन आ रहा है, ठीक है, इधर से आ रहा है, इधर से पाइप जो भी मटेरियल है, गैस है, ऑयल है, पानी है, जो भी है उधर से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक बटरफ्लाई वाल है, ठीक है, और ये बटरफ्लाई वाल है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ ऊपर में हम डिस्टेंस डाल देंगे, ये कितना डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस डालने के लिए यहाँ पर हम एक ये जो है, ये जो कलम है ना, ये जो लाइन है, जो इस यही लाइन पे क्लिक करेंगे, नहीं सबसे पहले देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सेप टैब में जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, सेप में जाएंगे, यहाँ पे फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक है। और यहाँ पर लाइन का कलर ये ब्लैक कर दिए और यहाँ पर थोड़ा इसका विड्थ ऐसा कर दिए, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये लाइन ऑलरेडी ड्रॉ हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम एक लिखेंगे इसका मेजरमेंट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाएंगे, शेप में जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स को लेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे या टेक्स्ट बॉक्स उठा के ऊपर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे पाइप का मेजरमेंट क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम वॉल अप टू फ्लो मीटर, ठीक है। तो कितना देखिए डिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस का स्पेलिंग गलत हो गया है, तो देखिए ये मेरा हो गया सही, डिस्टेंस फ्रॉम वॉल अप टू फ्लो मीटर, देखिए फ्लो मीटर से लेकर के वॉल तक ऊपर का डिस्टेंस क्या है मैं यहाँ पे डालूँगा। आप लोग का जो भी डिस्टेंस है आप लोग डाल सकते हैं, फिलहाल मैं आप लोग को एक सिंबल बता रहा हूँ MS Word में, कंप्यूटर से इमीडिएटली अचानक ज़रूरत पड़े या कोई प्लान बनाना हो तो उसके लिए हम लोग एक अपना से ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो भी आपका मतलब लेंथ का साइज है वो आप दे सकते हैं अपना साइड के अनुसार, अपना आपका जो भी मेजरमेंट है उसके अनुसार दे सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोग को MS Word में कैसे ड्राइंग बनाते हैं वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो भी डिस्टेंस है मान लीजिए 220 सेंटीमीटर डाल देंगे, 220.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए लिख देंगे CM, ठीक है, 220.5 CM लिख देंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर देंगे, दिखने में अच्छा लगेगा, दिखने में अच्छा लगेगा, बोल्ड कर देंगे। और देखिए ये जो कोटा है ना, ये जो चार तरफ ये टेबल बना है वो बना ही रहेगा, वो ऐसे सही है, ठीक है। नहीं तो देखिए यहाँ से हम लोग इसको हटा भी सकते हैं, देखिए फ़िलहाल मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, सेप आउट नो आउटलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये फ्लो मीटर से ये है, अब यहाँ पे एक एरो डाल देंगे क्योंकि ये पता चलेगा ये लाइन का है, ठीक है। तो शेप में जाएंगे, फिर शेप में ये देखिए ये जो सिंबल है इसको लेंगे, तो देखिए ये हो गया। और शेप आउटलाइन में जाएंगे, ब्लैक करेंगे और इसका थोड़ा विड्थ बढ़ा देंगे, हम थोड़ा विड्थ ले लेंगे, अच्छा दिखने में अच्छा लगेगा। तो आप लोग देख सकते हैं
तो देख सकते हैं हम ऑलरेडी आप लोग को ये दर्शा दिया, ये देखिए एरो में बना करके यहाँ पे दे दिया डिस्टेंस फ्रॉम वॉल टू फ्लो मीटर। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसका 220.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका डिस्टेंस है। ठीक है, और इसका डिस्टेंस यहाँ पे हम देखिए, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे भी हम इसका भी डिस्टेंस देंगे। देखिए इस पर सीधा कंट्रोल के साथ यहाँ पे जाएंगे, सीधा यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और इसको भी हम यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे, और सेम यहाँ पे इसमें इसका डिस्टेंस है यहाँ पे देखिए 120 है, सॉरी 120 है। ठीक है, 120.5 मैं आप लोग को फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए ड्राइंग कैसे क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे भी ये एरो एक पकड़ेंगे, कंट्रोल के साथ माउस के सहारे से सीधा लेके आएंगे नीचे। ठीक है, और लाके इस पे दिखा देंगे कि हाँ इसके इसका ये डिस्टेंस है। ठीक है, देखिए आप लोग देख सकते हैं ये इस ऊपर का जो मेजरमेंट है उसका डिस्टेंस ये है। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी आप लोग देख लिए। उसके बाद ये जो वाल है, वाल का डिस्टेंस क्या है, ये जो बटरफ्लाई वाल है इसका डिस्टेंस, इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट टैब में, शेप में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को ऐसे क्रिएट करेंगे और इसका डिस्टेंस लिखेंगे 22.5 cm। आप अपना अपना हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं, फ़िलहाल मैं आप लोग को मैं बता रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद इसका इसको बोल्ड कर देंगे, थोड़ा इसका होम टैब में जा कर के इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देंगे। ठीक है, तो देखिए ये ऑलरेडी हो गया। ये किसका है, तो ये वाल, देखिए यहाँ पे हम VF वाल्व लिख देंगे। ठीक है, VF वाल्व, VF वाल्व लिख देंगे। ठीक है, फुल फॉर्म बटरफ्लाई वाल्व। ठीक है, और यहाँ पे ये एरो पकड़ेंगे, कंट्रोल के सहारे ला के सीधा यहाँ पे ला के ऐसे करेंगे, ये देखिए ये हम उल्टा कर देंगे ऐसे, ये इसका साइज का है। ठीक है, तो देखिए ये मेरा ऑलरेडी ये बटरफ्लाई का हो गया। ये देखिए यहाँ पे फ्लांच है, ये 100 mm का है। तो देखिए यहाँ पे इसको भी यहाँ पे लाएंगे सीधा कंट्रोल के सहारे, माउस से ड्रैग करेंगे और इसको भी हम डाल देंगे। आप फिलहाल मैं ये डाल दे रहा हूँ, सेम में रहेगा, खाली यहाँ पे हम लिख दे रहा हूँ फ्लांच फ्लांच। ठीक है, आप लोग अपना हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल मैं डाल दिया फ्लांच। ठीक है, और ये भी ये एरो है, इसको भी पकड़ के ला के सीधा यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, दर्शा देंगे क्योंकि दिखने में अच्छा लगेगा। तो फिलहाल इसका ये मेजरमेंट हो गया, ये वाल का जो साइज है, ये फ्लांच का जो साइज है वो आप लोग का ये हो गया 22.5 cm फ्लांच का। ये जो बटरफ्लाई वाल्व है वो आपका इतना हो गया, और ये मेन लाइन आप लोग का ये जो ड्राइंग हम बनाए हैं वो हो गया। उसके बाद इधर एक लाइन जा रहा है सीधा और एक इधर साइड में जा रहा है। अगर आप लोग इसको टंकी में भी ज्वाइंट करना चाहते हैं यहाँ पे टैंक बना करके, तो फिलहाल मैं आप लोग को एक टैंक बना करके दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाएंगे, सेट में जाएंगे और यहाँ से ये बॉक्स ले लेंगे। ठीक है, बॉक्स लेने के बाद देखिए यहाँ पर एक हम छोटा सा टैंक बनाएंगे। ठीक है, ये टैंक हो गया। ठीक है, और इसमें लिख देंगे हम टैंक, ये देखिए इसमें हम ये देखिए यहाँ पे माउस बटन राइट क्लिक करेंगे, एड टेक्स्ट में जाएंगे और इसमें लिख देंगे टैंक। ठीक है, इसमें लिख देंगे टैंक। ठीक है, स्टॉक स्टॉक वाटर वाटर। ठीक है, टैंक लिख देंगे, स्टॉक वाटर लिख देंगे। ठीक है, और इसका भी थोड़ा साइज होम टैब में जा कर के फॉन्ट का साइज बढ़ा देंगे, कंट्रोल भी कर देंगे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा टैंक ऑलरेडी हो गया। ठीक है, टैंक हो गया और इसमें हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो देखिए ये बटरफ्लाई हो गया, ये मेन लाइन इधर से आ रहा है, तो ये बटरफ्लाई हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये बटरफ्लाई से आप यहाँ से रोक सकते हैं टैंक में पानी जाने से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये फ्लांच हो गया, फ्लांच के बगल में यहाँ पे ही एक वाल देंगे। ठीक है, वाल देने के लिए देखिए ये सीधा यहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, यहाँ से सेप लेंगे, सेप पे जाएंगे और ये जो अपना ये
फ्लो चार्ट का सिंबल है, इस पर क्लिक करेंगे। ये जो फ्लो चार्ट का सिंबल है इस पर क्लिक करेंगे और सीधा यहाँ पे एक ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सीधा ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा इसका, यहाँ पे इसका डिस्टेंस हो जाएगा 100 mm, ठीक है। ये 100 mm इसका भी डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ये मेरा हो गया वाल, मैं वाल यहाँ पे क्रिएट कर दिया। उसके बाद वाल तो क्रिएट हो गया। अब इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए फिर जाएंगे शेप में। शेप में जाने के बाद ये जो तीर वाला निशान है अप एरो, इस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद देखिए सीधा ऐसे करेंगे, थोड़ा यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ला के इसमें सेट करेंगे इसमें, क्योंकि दिखने में अच्छा से सेट हो जाए। देखिए ये मेरा सेट हो गया फिलहाल। तो देखिए ये मेरा सीधा टंकी में आ जाएगा पानी, ठीक है। ये मेरा सेट हो गया। अब देखिए ये फॉर्मेट टैब में जाएंगे, यहाँ पे शेप फिल में जाएंगे, यहाँ पे नो फिल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर शेप आउटलाइन में जाएंगे और यहाँ पे आउटलाइन ब्लैक कर देंगे। उसके बाद ये मेरा देखिए यहाँ से ये टैंक में मेरा पाइप आ रहा है, ठीक है। टैंक में मेरा पाइप आ रहा है, यहाँ पर एक सी आकार दे देंगे, पाइप जैसे दिखने वाला यहाँ पे एक आकार दे देंगे और इसको छोटा करेंगे। देखिए ये मेरा ये पाइप जैसा हो गया, ठीक है। ये सीधा आकर के ये देखिए सीधा मेरा आकर के टैंक में आकर के गिर रहा है, ठीक है। ये कंट्रोल यू दे देंगे, ठीक है, आप लोग को थोड़ा दिखने में पता चलेगा। तो देखिए ये मेरा ये टैंक हो गया, ये जो ये पूरा एरिया हो है जो ये मेरा टैंक का हो गया। और ये मेरा ऊपर का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम वॉल टू, यहाँ पे फ्लो मीटर है, ये जो फ्लांच है यहाँ पे फ्लो मीटर है, फ्लो मीटर का ये पूरा डिस्टेंस है। ये लोकेबल, ये जो आप लोग का बटरफ्लाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये पूरा डिस्टेंस आप लोग का 220.5 cm है। और डिस्टेंस फ्रॉम वॉल टू फ्लो मीटर, ये भी वॉल से फ्लो मीटर इधर भी है, तो ये इसका 120 cm है, ठीक है। और ये जो बटरफ्लाई का जो एरिया है, जो बटरफ्लाई वॉल का डिस्टेंस है, उसका है 22.5 cm। देखिए शॉर्ट में यहाँ पे BF लिख दिया हूँ, बटरफ्लाई वॉल। आप लोग बॉयफ्रेंड नहीं समझने का, आप लोग बटरफ्लाई वॉल समझने का, क्योंकि ये पाइपलाइन से रिलेटेड आप लोगों को मैं बता रहा हूँ ड्राइंग MS वर्ड में कैसे बनाते हैं। तो और ये देखिए ये मेरा ये जो चार तरफ से ये मैं ये दिया हूँ, ये सिंपल मैं दिया हूँ। तो ये देखिए ये टैंक हो गया, ठीक है, टैंक हो गया। ये जो पानी का लाइन है इधर से आ रहा है सीधा बटरफ्लाई वाले, तो यहाँ से देखिए डाउन से नीचे जा रहा है सीधा। और इसका डिस्टेंस यहाँ पर भी हम लोग दे सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर भी इसका दे सकते हैं डिस्टेंस। तो देखिए इसको सीधा इस यहाँ पे देंगे, ठीक है, और लिख देंगे यहाँ पे, फ्लांज के जगह यहाँ पे पाइप लिख देंगे, ठीक है। पाइप, ठीक है, पाइप लिख देंगे। और आप लोग चाहेंगे तो इसको घुमा भी सकते हैं, ठीक है, ऐसे घुमा दीजिए। देखिए ये मेरा घूम गया, ठीक है। अब यहाँ पे यही एरो को लेंगे, कंट्रोल के साथ प्रेस करके रखेंगे और यहाँ से आ करके देखिए यहाँ पे सीधा ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। देखिए ये ऑलरेडी मेरा यह डिस्टेंस जो है ये पाइप का डिस्टेंस इधर आ गया, ठीक है। आप लोग ऐसे देखिए, देखिए मैं फाइनली आप लोग को मैं बता दिया ड्रॉइंग कैसे बनाते हैं MS वर्ड में। तो फिलहाल मैं आप लोग को नॉर्मल बता दिया, आप लोग को इससे और अच्छा बना सकते हैं आप लोग। तो मैं
एमएस वर्ड का ही जो मटेरियल है उसी से मैं बनाया हूँ। जो भी एमएस वर्ड में सेप ऑप्शन में जो भी सिंबल है उसी के सहारे से मैं बनाया हूँ। अगर आप लोग को बनाना होगा तो आप लोग नेट से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो भी वाल का सिंबल है, फ्लांज का सिंबल है, वो सब आप लोग डाउनलोड करके, आप लोग इंसर्ट करके आप लोग बना सकते हैं फाइनली। लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोग को बताने के लिए, मैं एम एस वर्ड में ड्राइंग कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैं फ़िलहाल आप लोग को बताया हूँ। और डिस्टेंस क्या है, मेजरमेंट क्या है पाइपलाइन का, वो सब भी मैं बताया हूँ, ठीक है। और देखिए फ्रेंड, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, आप लोग से यही उम्मीद है कि प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि इससे और अच्छा वीडियो आप लोग को ला सकूँ, आप लोग के लिए ला सकूँ, आप लोग को जानकारी दे सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।